अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज हम बनाएंगे इस तरह का बॉक्स और कार्डबोर्ड से, और ये बहुत ही इजी होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए होगा ये जो केक आता है ना, उसका मैंने नीचे वाला बेस ले लिया दो पीस कार्डबोर्ड का। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी कट कर सकते हैं, कूट से भी आप इस तरह का राउंड बना सकते हैं। फिर उसको इस तरह से मैं ऊपर और नीचे से मार्क कर रही थी, तो नीचे का पार्ट मैं काट के इस तरह से निकाल लूँगी, ठीक है, ताकि वो बेस उसका बन जाए। क्योंकि गोल अगर रहेगा ऐसे राउंड तो वो तो रखा नहीं पाएगा, तो इसे इस तरह से मैं कट करके निकाल रही थी। और दोनों को इसी तरह से दो पीस हमें चाहिए और दोनों को सेम इसी प्रोसेस से काट लेंगे। ये ऊपर वाला हम बना लेंगे लिड से, और नीचे वाले से मैं बना लूँगी इसका बेस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया और इस तरह से कुछ बॉक्स बनेगा। तो चलिए इन दोनों को मैंने इस तरह से आपस में दो पीस मैंने सेम टू सेम एकदम इस तरह से कट किया है। आप अगर चाहे तो इस तरह से कार्डबोर्ड से भी आप कट कर सकते हैं दो अलग अलग शेप, लेकिन अगर आप सर्कल करके कट करोगे ना तो बहुत ईजी होगा। फिर मैंने इस तरह का एक कार्डबोर्ड लिया, इसको अच्छे से आपको ऐसे रोल कर लेना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से मुड़ सके, क्योंकि इसके साइड पर हमें लगाना है। और नीचे मैंने इसे दोनों साइड से मोड़ा है और बीच में बिल्कुल वैसे ही रहने दिया। फिर मैं ग्लू गन के हेल्प से इसको स्टिक करूँगी। ये देखिए एकदम उसी शेप का एकदम साइज़ का भी कट हुआ है, और साइड साइड को अच्छे से ऐसे आपको मतलब प्रेस करते हुए स्टिक करना है, ठीक है। तो साइड साइड पे भी पहले चलिए ग्लू लगा लेते हैं। और अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो फिर आप नॉर्मल फेविकोल से भी स्टिक कर सकते हैं, किसी भी ग्लू से कर सकते हैं। बस साइड पर किनारे पर इस तरह से मास्किंग टेप आपको लगा देना है, और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए ना तब आपको इसको निकाल देना। तो केक तो सभी के घर में आजकल आता ही है, तो उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, जो नीचे में कार्डबोर्ड दिया रहता है जिसके ऊपर केक रखा रहता है, तो वो हमेशा सब फेंक ही देते हैं। तो उसका मैंने यूज़ करके यहाँ पे बना लिया है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल कार्डबोर्ड को भी कट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत प्यारा सा एक ज्वेलरी बॉक्स इससे बनेगा। तो आप ऐसा नहीं है, आप कबाड़ से भी बहुत कुछ डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो, घर पर पड़े ही जो चीज़ रहती है उससे आप बना सकते हो। तो इसी तरह से मैं दोनों कार्डबोर्ड को अच्छे से फिक्स कर लूँगी, और इस तरह से हमें नीचे का बॉक्स बिल्कुल रेडी मिल जाएगा। तो चलिए ऐसे दोनों साइड से अच्छे से फिक्स कर लेते हैं, और इस पर अच्छे से मास्किंग टेप लगा देते हैं। और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ पे से कट कर रही थी, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे निकल गया था ना उसको। चलिए इसके लिड पे भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही राउंड कर लिया है अच्छे से कार्डबोर्ड को लेके, और ऊपर वाला पार्ट जो था उसको इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो एकदम सेम लिड भी मिल जाएगी हमें, तो दोनों साइड पे ऐसे लगा देना है। और इसी तरह से बिल्कुल रेडी हो गया था, ये देखिए हमारा बॉक्स बन के। तो इस तरह से मैंने इसका बेस रेडी कर लिया था। तो अभी इसको और थोड़ा सा हार्डी बनाने के लिए स्टडी पेपर को ऐसे फाड़ रही थी, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर रही थी। आप नॉर्मल वाइट पेपर भी ले सकते हैं, ये पैकिंग में भी आते हैं और इसका रोल भी मिलता है अगर आपको ये वाला पेपर चाहिए तो। फिर मैंने फेविकोल को अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया है, और उससे मैं पूरे पे चलिए इसी तरह से पूरे बॉक्स को कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे बॉक्स को कवर कर लिया था, अच्छे से ड्राई हो गया था। अब इस पर मैं लगा रही हूँ कॉटन का क्लोथ पीछे के साइड पे, ताकि दोनों लिड और बेस नीचे का अटैच हो जाए। तो इस तरह से मैं फेविकोल लगा रही हूँ नीचे, और इसको अच्छे से ब्रश से स्प्रेड करके, और उसके बाद इसके ऊपर मैं कॉटन का क्लोथ लगा दूँगी, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छे से मजबूती आ जाती है, अगर आप पीछे में वो लगाओगे तो इससे अच्छा ये होता है। तो मैं इसलिए ये कॉटन का क्लोथ ही प्रेफर करती हूँ अपने बॉक्स में लगाने के लिए। और उसके बाद इसके ऊपर भी अच्छे से ग्लू से कवर करना है। और फिर मेरे पास वो वैसा वाला पेपर नहीं बचा था, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज पेपर था तो वो ले लिया है, और इस तरह से मैं पूरे पे कवर कर रही हूँ, ठीक है, इसको कवर करने के लिए। अब इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से टेक्सचर पेस्ट, ताकि और मजबूती आ जाए। तो चलिए ऐसे भी लगा लेते हैं, इससे बहुत अच्छा सा एक लुक आता है और ये और भी ज़्यादा स्टर्डी बन जाता है। तो इसलिए मैं अपना होममेड टेक्सचर पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, और फिर मैं इसको डैबर से अच्छे से ना थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर डैबर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास डैबर नहीं है तो आप बना भी सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप डैबर कैसे बनाएं, टेक्सचर पेस्ट कैसे बनाएं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और फिर भी अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप हाथ से भी उस पर डिज़ाइन दे सकते हैं, तो किसी भी चीज़ से आप डिज़ाइन दे सकते हैं, नहीं तो एक फोम के टुकड़े से भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा कवर कर लिया था, बैक साइड पर थोड़ा सा टेक्सचर और पूरे पर टेक्सचर दिया था, बस फ्रंट साइड पर बिल्कुल मैंने प्लेन रखा। तो अभी बेस में मुझे पहले फ्रंट साइड के बेस पे अच्छे से वाइट पेंट करना है, तो चलिए कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी ये वाइट पेंट मैं क्यों कर रही हूँ बेस में।
और क्योंकि मुझे इसके ऊपर करना है डेकोपाज, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर डेकोपाज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डेकोपाज नैपकिन लिया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली कोई सा भी प्रिंट आउट गूगल से निकलवा सकते हैं, नो कॉपीराइट वाला, और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दो ऐसे करके पेपर होते हैं, पीछे से एक पेपर रिमूव करना होता है, और कभी भी आप डेकोपाज करें तो उसके ऊपर साइड साइड को अच्छे से टियर अप करें, उसको सीजर से ना काटें, हाथ से ऐसे ना उसको नोचें, साइड करके निकालें, नोचें, मैं क्या बता रही हूँ। और इस तरह पता है मुझे आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बताने में, क्योंकि बैकग्राउंड में एक मुर्गा लगातार चिल्ला रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो इस तरह से मैंने इस पेपर को रखा ग्लू लगा के, और फिर ऊपर से मॉड पॉज ग्लू लगाया, और ऐसे मैंने साइड से कट कर लिया, ठीक है। तो अब इस पर करेंगे पेंट। पेंट मैंने यहाँ पर बिल्कुल ग्लू से ही रिलेटेड मैच करके लिया है, तो चलिए पहले पूरे पे अच्छे से करना है। और कभी भी डेकोपाज करना है ना, तो उससे मिलते जुलते ही पेंट यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ब्लू का यूज़ था तो मैंने ब्लू लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लेंड करते हुए पेंट करेंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि हम लोगों ने इसके ऊपर पेपर स्टिक किया, ठीक है। तो ये टिश्यू पेपर की तरह आते हैं, तो आपको ये मिल जाएंगे किसी भी क्राफ्ट स्टोर पर, लेकिन अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो डेकोपाज पेपर भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, और अगर आप वो भी एक्सपेंसिव लगता है आपको, तो आप सिंपली इसको ना कोई सा भी प्रिंट आउट जो आपको पसंद आ रहा है वो आप गूगल से निकालिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है, गूगल से प्रिंट निकाल के। तो वो आपको 10 रुपीज़ में एक शीट मिल जाती है। तो साइड साइड से मैं ना वाइट लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रही थी। कभी भी ना बीच में एकदम डार्क कलर मत लगाइए, साइड साइड पे डार्क रहने दीजिए और बीच में बिल्कुल लाइट। तो उसी तरह से मैं शेड कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसे कर लेते हैं, और ये बहुत प्यारा सा लगता है। इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ करी थी 0 साइज़ ब्रश से। इसको थोड़ा सा और इसमें ना मैं ड्राई बुशेस बना रही हूँ, ताकि बिल्कुल लगे कि इसके ऊपर ही हम लोगों ने इसे पेंट किया, ठीक है। तो चलिए इसे भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है एयर ड्राई क्ले, ये मेरी होममेड कोल्ड पोर्सलिन एयर ड्राई क्ले है। अगर आप लोगों को इसका वीडियो चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैं साइड साइड पे ना इससे लगा रही थी, ठीक है, डिज़ाइन बना रही थी, एक बॉर्डर टाइप कुछ क्रिएट करी थी, बीच में डिज़ाइन रहेगा और साइड में बॉर्डर रहेंगे, और साइड की जितनी भी जगह बच रही ना उस पर हमें कुछ एम्बेलिशमेंट ऐड करना है, ठीक है, जिससे थोड़ा सा और एंटीक और थोड़ा सा प्यारा सा लुक आए। बीच में हमने इस तरह का प्रिंट रखा है और साइड साइड में डिज़ाइन रहेगा। डिटेल से मैं कुछ और डिटेलिंग ऐड कर रही थी और फिर ग्लू लगा रही थी, और इसमें मैं कुछ कुछ ऐसे ही रैंडम बना के लगा रही थी, और कुछ मेरे पास एम्बेलिशमेंट थे। अगर आप लोगों को जानना होगा कि सिलिकॉन मोल्ड्स कैसे बनते हैं, तो मैंने ये सारे एम्बेलिशमेंट अपने सिलिकॉन मोल्ड से बनाए हैं, जो कि मैंने खुद से होममेड सिलिकॉन मोल्ड्स बनाए थे। तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए सभी को मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं सभी पे ना अलग अलग तरह के बहुत सारे एम्बेलिशमेंट का यूज़ करी थी, अलग ही अलग सारे में यूज़ करी थी, कोई भी सिमिलर नहीं थे। तो बहुत सारे शेप के मैंने यहाँ पे एम्बेलिशमेंट लगाए हैं। तो इस तरह से मैं लगा रही थी, कहीं पे छोटे छोटे से मैं बॉल्स दे रही थी, और कुछ मेरे पास यहाँ पर सीड्स रखे हुए थे तो मैं उनका भी यूज़ कर रही थी, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से पूरे पे लगा लेते हैं, और अच्छे से बीच वाले पे हमेशा पहले पेंट कर लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। और उसके बाद अब ऊपर में ना मैंने यहाँ पर अपने मोल्डेड एयर ड्राई क्ले यूज़ किया, जो ना पैकेट वाले आते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बिल्कुल स्टोन की तरह। तो उससे मैंने यहाँ पे ना एक पकड़ने वाला बना दिया है, कुछ नॉब शेप का मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और तो अब मैं यहाँ पे भी कुछ और डिटेलिंग ऐड करूँगी। तो मैं इस तरह से कुछ ना तना टाइप बना रही थी पेड़ का, ठीक है, पेड़ की तरह कुछ बना रही थी। तो डिटेल नाइफ से हमेशा इस तरह का करिए, जब भी आप पेड़ से रिलेटेड कुछ भी बनाइए। तो इस तरह से मैं डिटेलिंग ऐड करी थी, इससे और ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्हेंस होता है। तो मैं इसी तरह से कर रही थी, तो चलिए पूरे पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे पे इस तरह का तना टाइप बना दिया था, ठीक है, और ये अब कंप्लीट था। तो अब चलिए थोड़े से ना फ्लावर्स में ऐड करूँगी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले छोटा सा एक आपको मतलब एयर ड्राई क्ले का पीस लेना है, और इस तरह से आपको इससे बना देना है। तो इसी तरह के 5 पीस बनाएंगे स्लीव को, और इसको अटैच करके एक फ्लावर बन जाएगा बहुत प्यारा सा। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह से मैं सब पे ऐसे ही डिटेल करी थी, बीच में इस तरह से आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जैसे लीव की वो सॉरी फ्लावर की पंखुड़ी होती है ना वैसे ही। तो अब इन सबको ही अटैच करना है। तो चलिए इस पे पूरे पे इसी तरह का फ्लावर्स लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितना प्यारा से फ्लावर बन गया है। तो इसी तरह से पूरे पे लगा लें।
अब मेरे पास यहाँ पे ना मैंने होममेड सिलिकॉन मोल्ड्स बनाए थे एक फ्लावर वाले शेप का, तो मैं उसके भी कुछ फ्लावर्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो चलिए इसी तरह से आपको बस इसमें क्ले डालना है और इस तरह से देखिए कितना प्यारा सा एक फ्लावर बन गया, तो इसे भी लगा लेते हैं। तो चलिए इसी तरह के और ऐड करके मैंने पूरा कम्प्लीट कर लिया था, ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अभी इस पर करना है पेंट। तो पेंट के लिए सबसे पहले बेस कोट मैं दूँगी ब्लैक, ब्लैक एक्रेलिक पेंट्स मैं यहाँ पर पेंट कर रही हूँ। तो ब्लैक बहुत ज़रूरी है, अगर आप बेस डार्क कलर का दोगे ना तो बहुत प्यारा सा एक लुक आता है। कभी भी आपको पेंट करना है ना एंटीक टाइप का कुछ, तो आप एक बेस के लिए ब्लैक दीजिए, बेस पे ब्लैक कलर लगाइए, उसके बाद ही उसको हाईलाइट करिए और कलर से, तो उससे एक बहुत प्यारा सा लुक आता है। तो पूरे को मैं धीरे धीरे करके ना, बीच वाले पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए पेंट, बस और बस जो साइड है उस पर पूरे पे ब्लैक, और पूरा ऑल ब्लैक रहेगा पूरा बॉक्स, ठीक है। तो इसी तरह से मैं छोटे वाले ब्रश से अंदर अंदर की साइड पर करी थी, थोड़ा सा टाइम टेकन था लेकिन बनने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने पूरे पे धीरे धीरे करके मैं ब्लैक पेंट करी थी, ठीक है। साइड पे सभी जगह पे ब्लैक होगा, बस और बस जो हमारा बीच में जो हमने जहाँ पे रैबिट वाला वो लगाया ना, देखो पाच क्या है, वहाँ पे वो वही कलर रहेगा। और इसी तरह से बात करते करते ये हो गया पूरा कंप्लीट और ये अच्छे से ड्राई हो गया था। उसके बाद मैंने इस पर लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और थोड़ा सा वाइट मिक्स करके और डाबर पर पेंट लिया है और हल्का हल्का सा इसको हाईलाइट करी थी। और ये देखिए कितना प्यारा धीरे धीरे से लुक आ रहा था ना इस पर, बहुत प्यारा लग रहा था ये बॉक्स मुझे। अभी तक कि मैंने जितने बनाया ना, सबसे अच्छा मुझे यही लग रहा था, ये रैबिट बीच में बहुत क्यूट लग रहा था। तो इसी तरह से मैं ना डैबर से हल्का हल्का सा पेंट लगाती जा रही थी। तो चलिए इसी तरह से पूरे पे पहले ब्लू लगाएंगे, ब्लू, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू मिक्स करके, मैंने टील ब्लू का कुछ शेड यहाँ पर लिया है और उसको मिक्स करके अच्छे से लगाऊंगी। लेकिन अभी इतने में ही नहीं, इसमें अभी और मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग ऐड करूँगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा ये लास्ट में। तो इस तरह से मैं तो इस तरह से पूरे पे मैंने लगा लिया। अब मैंने यहाँ पे ना रेड कलर से फ्लावर्स को किया है पेंट, ठीक है, तो इससे बहुत अच्छा लुक आएगा, लेकिन अभी भी ये ऐसा नहीं रहेगा। अब मैंने यहाँ पे सिल्वर पेंट लिया है, सिल्वर मेटालिक पेंट, अब मैं उससे इसको हाईलाइट करूँगी और थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा कलर पॉपअप हो रहे हैं ना उसको थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए मिक्स करूँगी, ठीक है, ब्लेंड करूँगी। तो चलिए कर लेते हैं और उसके बाद लुक बहुत प्यारा आएगा। तो चलिए इसी तरह से मैं यहाँ पर सिल्वर पेंट डाबर पर लेके और हल्का हल्का सा टैप कर रही थी और हल्का हल्का सा उसका थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए पेंट कर रही थी। अब मैं थोड़ा सा मेटालिक पेंट ले रही थी यहाँ पे गोल्डन का, एंटीक गोल्ड, और इसी तरह से मैंने अपने बॉक्स को कंप्लीट कर लिया था लगभग लगभग। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने कर दिया है वॉर्निश अप्लाई और ये रहा इसका फाइनल लुक। ये देखिए बॉक्स कितना ही प्यारा लग रहा था। अगर आप लोगों को भी ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोगों को ऐसे आइडियाज़ पसंद आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।